आज ही बिल्ड करें अपने लिए बेहतरीन गेमिंग पीसी, विजिट करें tibgstore.com या इस नंबर पे कॉल करें हमारी टीम को, जो कि आपके कॉल्स का रियल टाइम पे आंसर करती हैं, आपके बजट के हिसाब से बेहतरीन पीसी बिल्ड करके देंगी और आपको बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी पीसी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी हुई हैं, जाकर चेक कर सकते हैं। हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एएमडी की आने वाली टेक्नोलॉजी यानी कि एफएसआर 3.0 के बारे में। अगर आप यहां पर गेमिंग कम्युनिटी में एक्टिव रहते होगे तो आप लोग DLSS 1, DLSS 2, DLSS 3 और FSR 1, FSR 2 के बारे में जानते होगे। जो लोग नहीं जानते हैं, यहां पर मैं शॉर्ट बता देना चाहता हूं, ये टेक्नोलॉजीज बेसिकली आपके गेम्स को अप स्केल कर देती हैं। तो जो लोग हाई रेजोल्यूशन पे गेम खेलते हैं या जिनका ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा सा वीक है और उनको ज्यादा फ्रेम रेट की जरूरत है, इस चीज का यूज करके अच्छे फ्रेम रेट अचीव कर सकते हैं। एनवीडिया के DLSS के साथ प्रॉब्लम केवल ये थी कि वो केवल एनवीडिया के RTX ग्राफिक्स कार्ड तक ही सीमित रहता है, क्योंकि एनवीडिया का ऐसा कहना है कि ये AI वाली चीजें हैं और इनके लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर हमारे ही ग्राफिक्स कार्ड में केवल है, इसलिए हम लोग पुराने ग्राफिक्स कार्ड और AMD ग्राफिक्स कार्ड में इसे इनेबल नहीं कर सकते। और एनवीडिया ने हद तब कर दी जब जो है उन्होंने फ्रेम जनरेशन को अनाउंस किया और बोला ये फ्रेम जनरेशन वाली टेक्नोलॉजी हमारे केवल RTX 4000 ग्राफिक्स कार्ड में ही चलेगी, यानी कि जिन लोगों ने RTX 3000 ग्राफिक्स कार्ड लिया था वो लोग चूल्हे भाड़ में हैं, हमें उनसे कोई लेने देना नहीं है। और बाय द वे, अगर आप अपने ग्राफिक्स कार्ड का फुल पोटेंशियल निकालना चाहते हो ना, तो आपको अपने विंडोज को जेन्युइन तरह से अपडेट करना चाहिए। अगर आप कीज लेना चाहते हो तो आप हमारे स्पॉन्सर्स की वेबसाइट से खरीद सकते हो, जहां पर आपको विंडोज 10 की OEM की केवल 499 में मिल जाती है। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TIBG350, तो एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर तभी यहां पर AMD ने अनाउंस कर दिया FSR 3.0। और बेस्ट चीज पता है क्या है, FSR 3 का सपोर्ट आपको AMD के मॉडर्न या थोड़े से लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड में देखने को तो मिलता ही है, साथ में NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड में भी देखने को मिलता है। और NVIDIA के लेटेस्ट वाले नहीं, बल्कि पुराने से पुराने, यानी कि सन 2016-17 में जो ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हुए थे उनमें भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो FSR 3.0 एक डील ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी होने वाली है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप FSR 1.0 या FSR 2.0 को कंपेयर करते हो DLSS 1 और DLSS 2 से, तो FSR कहीं पर भी नहीं टिकता, क्योंकि जाहिर सी बात है DLSS एक मशीन लर्निंग AI टेक्नोलॉजी है। वो जिस तरह से आपके लोअर रेजोल्यूशन के फ्रेम को हायर रेजोल्यूशन के फ्रेम में रेंडर करती है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होता है। मीनवाइल FSR 1 और FSR 2 ड्राइवर लेवल पे काम करता है, वो केवल प्रीसेट्स अप्लाई करते हैं, AI का यूज़ नहीं होता है, तो डिटेल उतने अच्छे से रिकवर नहीं हो पाती। कई जगह पर आपको ब्लरी चीज़ें देखने को मिलती हैं या शिमरिंग जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो अभी तक NVIDIA का अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी के मामले में पलड़ा थोड़ा सा भारी था कंपेयरिंग टू AMD, लेकिन FSR 3.0 एक बहुत अलग चीज़ होने वाली है। क्यों, अब उसके बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, FSR में भी दो चीज़ें हैं, यानी कि अपस्केलिंग और फ्रेम जनरेशन, जो कि आपको NVIDIA साइड में भी देखने को मिलती थी। NVIDIA के DLSS 3 में भी आपको दो चीज़ें देखने को मिलती थी, अपस्केलिंग और फ्रेम जनरेशन। उसी तरीके से FSR में भी ये दो चीज़ें हैं। और पहले यहाँ पर हम लोग FSR 3 की अपस्केलिंग के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग फ्रेम जनरेशन के बारे में बात करेंगे। अब स्केलिंग में यहाँ पर नई चीज़ ये है कि जो पहले मेथड यूज़ होता था AMD की तरफ से, वो ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि उसे बिल्कुल हटा दिया जाएगा। AMD यहाँ पर अब नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने वाला है, जो कि है NAA, यानी कि नेटिव एंटी एलियसिंग। ये टेक्नोलॉजी आपको एपिक गेम्स के जितने भी गेम्स बने हैं उनमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्टनाइट हो गया, फॉर्टनाइट गेम के अंदर ये टेक्नोलॉजी आपको TSR के नाम से देखने को मिल जाती है। तो कहा यह जा रहा है कि AMD अपनी FSR 3.0 में जो अप स्केलिंग टेक्नोलॉजी यूज करने वाला है वो NAA बेस्ड होगी, और ये पहले के मुकाबले मच बेटर पिक्चर क्वालिटी देती है। अब कितनी बेटर देती है ये तो भाई डेवलपर टू डेवलपर या गेम टू गेम डिपेंड करता है कि उसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया गया है। वैसे अगर आप इसका लाइव एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप फॉर्टनाइट गेम डाउनलोड करके उसमें इनेबल करके देख सकते हो, और एज ऑफ नाउ जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं फॉर्टनाइट गेम्स में 60% रेजोल्यूशन पे काफ़ी अच्छी अपस्केलिंग देखने को मिल जाती है और फ्रेम रेट भी काफ़ी अच्छे मेंटेन रहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, अपस्केलिंग के मामले में AMD ने अपना गेम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है,
DLSS 3 के कंपैरिजन में कैसा बैठता है आई डोंट नो, जब तक फुल्ली रिलीज नहीं हो जाता तब तक हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कह सकते हैं पहले के मुकाबले मच बेटर होगा। नाउ यहाँ पर अब बात कर लेते हैं फ्रेम जनरेशन के बारे में कि फ्रेम जनरेशन क्या है, कैसे काम करेगी और किन ग्राफिक्स कार्ड में आपको इनका सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब AMD का यहाँ पर यह कहना है कि हम लोग फ्रेम जनरेशन ना वो सॉफ्टवेयर लेवल पे ही कर सकते हैं, हमें इस चीज़ के लिए, हमें फ्रेम जनरेशन के लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि NVIDIA क्लेम करता है कि उनके हर GPU में टेंसर कोर होते हैं और AI ऑप्टिकल फ्लो होता है, इसकी हेल्प से वो लोग वेक्टर मोशन एनालाइज करते हैं और फिर एक नया फ्रेम जनरेट करते हैं। ये सब चीज़ें AMD कहना है कि वो सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर AMD ने अपना एक ब्लॉग लिखा हुआ है जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को कम्प्लीटली डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि वो लोग जो है फ्रेम जनरेशन किस तरह से करेंगे। वो बेसिकली अपने पास्ट फ्रेम को जो है एनालाइज करेंगे और फिर उसकी हेल्प से वेक्टर्स के मोशन को डिटरमाइन करेंगे और जो फ्यूचर फ्रेम होगा उससे पहले हम लोग जनरेटेड फ्रेम्स अपने इंसर्ट कर देंगे। तो आप कह सकते हो ये टेक्नोलॉजी भी उसी तरह से ही काम करती है जिस तरह से NVIDIA की फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी काम करती थी, हालांकि यहाँ पर केवल बस डेडिकेटेड हार्डवेयर का यूज़ नहीं हुआ है। अब जाहिर सी बात है आर्टिफिशियली जनरेटेड फ्रेम्स होंगे तो लेटेंसी वाला इशू भी आएगा। AMD कहता है कि उनकी एंटी लैग टेक्नोलॉजी को अगर आप इनेबल कर दोगे तो लेटेंसी यहाँ पर आपको कम से कम देखने को मिलेगी। हालांकि AMD यहाँ पर यह भी कहता है कि फ्रेम जनरेशन वाला ऑप्शन आप केवल तभी ऑन करना जब आपके फ्रेम रेट 60 FPS या उससे ज़्यादा हो, क्योंकि अगर उससे कम होंगे तो फ्रेम को जनरेट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, हो सकता हो आपको उतना बेटर रिजल्ट ना मिले। हालांकि यहाँ पर आप चाहो तो FSR को इनेबल कर सकते हो, यानी कि आप स्केलिंग इनेबल कर ली, आपके जो है फ्रेम रेट 60+ पहुँच गए, अब यहाँ पर आप फ्रेम जनरेशन वाला ऑप्शन इनेबल कर लो तो आपको जो रिजल्ट है ना वो बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलेगा। ओवरऑल ड्राइवर लेवल पे AMD ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग के माइंड में ये भी क्वेश्चन उठ रहा हो कि यार चलो ठीक है मैं समझ में आ गया DLSS 3 क्या है, फ्रेम जनरेशन क्या है, NVIDIA से बढ़िया टक्कर ले रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन व्हाट अबाउट द सपोर्ट। देखो यहाँ पर ना सपोर्ट के मामले में अभी चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जितनी भी क्लियर है वो मैं आपको बता देता हूँ। DLSS 3 अप स्केलिंग विथ फ्रेम जनरेशन, ये जो टेक्नोलॉजी है ना इसका सपोर्ट आपको वो आपको AMD के RX 5700 और 6000 सीरीज़ के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड हैं उसमें देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप NVIDIA साइड पे आते हो तो RTX 2000 सीरीज, 3000 सीरीज और 4000 सीरीज में देखने को मिल जाएगी। तो आप कह सकते हो NVIDIA साइड की जितने भी RTX GPUs हैं वो कवर्ड अप हैं, बाकी AMD साइड पे 5700 थोड़ा ज़्यादा हो गया, अगर 5000 सीरीज़ को कंप्लीट इंक्लूड कर लेते ना तो बेटर चीज़ें हो सकती थी। बाकी अगर आप केवल FSR 3 में अप स्केलिंग यूज़ करना चाहते हो तो उसका सपोर्ट भी आपको RX 590 से लेके ऊपर जितने भी GPUs हैं वहाँ मिल जाएगा। दूसरी तरफ NVIDIA साइड पे GTX 1000 सीरीज़ में जितने भी GPUs लॉन्च हुए हैं और अब तक सब में आपको अप स्केलिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा। आई नो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है कि यार फ्रेम जनरेशन वाली टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा लिमिटेड क्यों है, और वो भी AMD साइड पे, NVIDIA साइड पे लिमिटेड होती है एक चीज़ समझ में आती, लेकिन आज भी मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग RX 570 580 यूज़ करते हैं, तो अगर फ्रेम जनरेशन वाले फीचर्स उधर तक मिल जाते या GTX 10 सीरीज़ में मिल जाते ना तो भाई मज़ा आ जाता। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि AMD ना आपको फ्रेम जनरेशन वाली टेक्नोलॉजी और FSR 3.0 लिटरली हर ग्राफिक्स कार्ड में प्रोवाइड करेगा, हालांकि वो बात अलग है सपोर्ट आपको केवल उन्हीं ग्राफिक्स कार्ड में मिलेगा जो कि AMD मेंशन करता है। हालांकि ये चीज़ केवल मेरा मानना है, क्या होगा अब ये डिपेंड करता है AMD क्या चाहता है। 2-3 हफ्तों में चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी जब FSR 3.0 सपोर्टेड गेम्स अनाउंस हो जाएंगे या अपडेटेड हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ थोड़े बहुत गेम्स अनाउंस हो गए हैं कि इनमें FSR 3 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जैसा ही आता है हम लोग उसे टेस्ट करेंगे DLSS 3 से भी, फ्रेम जनरेशन से भी, और तब देखते हैं AMD कहाँ पर स्टैंड करता है। नाउ आई होप आपके माइंड में जितनी भी चीज़ें होंगी FSR 3.0 से रिलेटेड वो सब क्लियर हो गई होंगी और थोड़ा बहुत आप भी समझ सकते होंगे आने वाले टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा। वेल तो दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।